of the Seven Seas with me. वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिल्मी माइंड्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ हॉलीवुड की पांच बेहतरीन मूवीज जो कि यूट्यूब पर ही हिंदी में अवेलेबल हैं। और ये सारी की सारी मूवीज बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाले हैं, जिन्हें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में कौन कौन सी मूवी शामिल है और इनमें से आपके लिए कौन सी मूवी बेस्ट रहेगी, यह जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और इसी के साथ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपके लिए ऐसी बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट वाली मूवीज लाने का मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी लिस्ट में फिफ्थ नंबर पर आती है 2012 में थ्रिलर क्राइम पर बेस्ड मूवी मैन ऑन ए लेज। वहीं इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 6.6 की शानदार रेटिंग दी गई है। और इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिलेगी निक नाम के एक बंदे की, जो कि न्यूयॉर्क की एक बिल्डिंग के लेज पर खड़ा होकर वहां से सुसाइड करने की धमकी देने लगता है। और फिर देखते ही देखते वहां पर काफी सारी पुलिस और मीडिया आ जाते हैं और उसे सुसाइड करने से रोकने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है दोस्तों, जब ये पता चलता है कि ये सब कुछ तो पुलिस और मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है और इसके पीछे ये लोग इसी बिल्डिंग में एक बहुत ही बड़ी चोरी को दे रहे होते हैं। तो दोस्तों, अब ऐसे में इस मूवी में आगे क्या होता है, क्या ये लोग ऐसा करने में कामयाब हो पाते हैं या फिर नहीं, ये सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना चाहिए। मूवी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। लिस्ट में फोर्थ नंबर पर आती है 2009 में कॉमेडी साईफाई पर बेस्ड मूवी लैंड ऑफ द लॉस्ट। वहीं इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 5.3 की रेटिंग दी गई है। और इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिलेगी डॉक्टर रिक मार्शल की, जो कि एक टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है दोस्तों, जब वो लोग गलती से टाइम में पीछे टेलीपोर्ट हो जाते हैं और ये वो टाइम होता है दोस्तों, जब अर्थ पर डायनासोर हुआ करते थे। तो दोस्तों, अब ऐसे में उन लोगों के साथ वहाँ पर क्या कुछ होता है और वो लोग वहाँ से लौट पाते हैं या फिर नहीं, ये सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना चाहिए। मूवी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। Brain the size of a walnut. What is it? It's a walnut. लिस्ट में थर्ड नंबर पर आती है 2018 में एक्शन एडवेंचर पर बेस्ड मूवी एक्वामैन। वहीं इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 6.9 की रेटिंग दी गई है। वहीं इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिलेगी आर्थर की, जो कि आधा इंसान और आधा एक समुद्री जीव होता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है दोस्तों, जब उसका भाई जो कि एक समुद्री जीव होता है, वो उसे मारने की कोशिश करने लगता है। तो दोस्तों, अब वो ऐसा क्यों कर रहा है और आखिर एक्वामैन के पीछे की मिस्ट्री क्या है, ये सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना चाहिए। तो ये मूवी बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। And I'm bringing the wrath of the seven seas with me. लिस्ट में सेकंड नंबर पर आती है 2016 में हॉरर एक्शन पर बेस्ड मूवी ट्रेन टू बुसान। वहीं इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 7.6 की शानदार रेटिंग दी गई है। और इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिलेगी सियोक वू और उसकी बेटी की, जो कि अपनी वाइफ से मिलने के लिए बुसान जा रहे होते हैं। लेकिन बहुत ही जल्द उनका ये सफर मौत के सफर में बदल जाता है, क्योंकि जिस ट्रेन से वो लोग जा रहे होते हैं, उस ट्रेन में एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैल चुका होता है, जिसकी वजह से उस ट्रेन के सभी पैसेंजर्स धीरे धीरे जॉम्बी में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो दोस्तों, मूवी में आगे क्या होता है, क्या सियोक और उसकी बेटी वहां से बचकर निकल पाते हैं या फिर नहीं, ये सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना चाहिए। लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर आती है 2013 में हॉरर थ्रिलर पर बेस्ड मूवी दी रिटर्न। वहीं इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 5.9 की रेटिंग दी गई है। वहीं इस मूवी में भी आपको स्टोरी देखने को मिलेगी कि दुनिया में एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैलने की वजह से सभी लोग जॉम्बी में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। और तब कहानी फोकस करती है एक फिजिशियन के ऊपर, जिसके पास इस वायरस का एंटीटोड होता है, जिसकी मदद से वो लोगों को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है दोस्तों, जब इस वायरस से उसका हस्बैंड भी इन्फेक्टेड हो जाता है। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों, कि जो वायरस का एंटीटोड था, वो अब खत्म हो चुका है। तो दोस्तों, अब ऐसे में अपने हस्बैंड को कैसे बचाती है, ये सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और बेहतरीन मूवीज के साथ।